दोस्तों तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया का ही वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एडवेंचर स्पॉट। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, खास करके ट्रैकर्स और एडवेंचरिस्ट। तो ये स्थित है महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में। तो कर्जत तालुका में एक छोटा सा विलेज है ठाकुरवाड़ी बोल के, वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का मॉडरेट लेवल ट्रैकिंग करना पड़ता है इसके फुटहिल्स में पहुँचने के लिए। तो कलेवंती दुर्ग बेसिकली एक माउंटेन है, दुबला पतला से एक माउंटेन है जो 701 मीटर का उसका हाइट है और उसका जो क्लाइंब एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो ये एक्चुअली बना था 15th सेंचुरी में। उस टाइम के जो राजा महाराजा को पता था कि उस एरिया का सबसे हाइटेड जगह ये था और उसी वजह से इन्होंने इसको एक वॉच टावर के रूप में बनाया था। तो बेसिकली जो माउंटेन था उसके अंदर 2 फीट का स्टेप कार्व आउट करके, यानी कि रॉक्स में कार्व आउट करके उन्होंने एक पाथ बनाया था जो 60 डिग्री के एंगल से ऊपर जाता था। तो बेसिकली ये राजा महाराजा का आइडिया ये था कि बेसिकली ऊपर से अगर देखा जाएगा ना तो उस पूरे एरिया का उन लोग निगरानी रख सकते थे और उनको पता चलता था कि किस डायरेक्शन से दुश्मन आ रहा है, कितने की संख्या में आ रहा है, ये सब वो पता कर सकते थे, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते थे और मिलिट्री प्लान बना सकते थे। तो इसी वजह से उन्होंने ये बनाया था वॉच टावर के रूप में। अभी इसका नाम जो है ना कलेवंती दुर्ग है, दुर्ग का मतलब है फोर्ट, लेकिन इसका जो नाम है और इसका जो पर्पस है दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्ट तो है ही, बेसिकली एक वॉच टावर है, लेकिन फिर भी लोग इसको बोलते हैं कलेवंती दुर्ग, यानी कि कलेवंती फोर्ट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना एडवेंचरिस्ट और ट्रैकर्स अलग अलग कंट्री से आते हैं यहाँ पे इसको क्लाइंब करने के लिए और इसका जो डिफिकल्टी लेवल है ना उसको महसूस करने के लिए आते हैं। तो इसी बीचों बीच ना बहुत सारे ट्रैकर्स और एडवेंचरिस्ट का डेथ भी होता है, बिकॉज का रीज़न क्या है कि जो पाथ है वहाँ पे कोई गार्ड रेल या रस्सी वस्सी कुछ है नहीं और वहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता कि आपको हेल्प करेंगे कि आके यू नो ऐसा चढ़ना है वैसा चढ़ना, कोई हेल्प नहीं करता है, वी आर ऑन अवर ओन वहाँ पे। तो वहाँ पे जब चढ़ते हैं ना तो किसी को अगर चक्कर आने का प्रॉब्लम है या हाइट का प्रॉब्लम है तो वो ना जब चढ़ते हैं ना तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं आगे देखते हैं ना उसका हाइट एलिवेशन देखते हैं ना उनको चक्कर आ जाता है और नीचे गिर के मर जाते हैं। कोई कोई लोग स्लिप होके भी मरते हैं। अभी जितना डिफिकल्टी क्लाइंब करने में होता है ना उससे 3 गुना डिफिकल्टी नीचे उतरने में टाइम होता है, क्योंकि नीचे उतरते टाइम जब वो इंसान नीचे देखता है ना तो वो जो ऐसा लगता है कि वो खाई में गिरने वाला है क्योंकि उसका एंगल 60 डिग्री के एंगल पे वो बना हुआ है, तो उसकी वजह से उनको चक्कर आने लगता है और वो चक्कर आके गिर जाए या फिर स्लिप होके गिर जाता है। बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है और यही सब चीज़ों की वजह से कलेवंती दुर्ग बहुत फेमस है, यानी कि जब लोगों को पता चलता है कि भाई वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, तो उनमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी कि कैसे तो हमको वो क्लाइंब करना ही करना है, ये दिमाग में आ जाता है। तो मुंबई से, पुणे से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पे ट्रैकर्स आते हैं और इसको क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं। आई होप दैट आपको कलेवंती दुर्ग के बारे में जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको अच्छा लगा। आगे भी जाके मस्त मज़ेदार चीज़ें मैं दुनिया भर से लेके आने वाला हूँ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।